नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूँ आपके साथ निशात्री। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सबको भली भांति है। हम महाराजा हरि सिंह के निवास जो स्थान है वहां पर खड़े हैं और ये वही जगह है जहां पे कुछ दिन पहले धारा 144 लगाई गई, यानी कुछ दिन पहले मीडिया को यहां पर आने की मनाही की गई थी, लेकिन युवा राजपूत सभा के जो हौसले हैं उनको धारा 144 भी कम नहीं कर पाई है। और आज भी अगर देखा जाए तो उसी स्थान पर मीडिया भी जा रही है और युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबरान हैं वो भी यहां पर सभी बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही है, महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी है वो ये लेकर रहेंगे। और आपको हम विजुअल्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि इस तरीके की आज तपती धूप है और जिस तपती धूप में आज भी छुट्टी की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उसके साथ ही साथ बच्चे भी यहां पर बैठे हैं। और ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले धारा 144 लगाई थी और किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। आज हम बात करते हैं युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं उनसे और पूछते हैं कि कुछ दिन पहले भी जब हम उनसे पूछा था कि क्या उनको कोई भी जो जिस तरीके से युवा राजपूत सभा है वो कब तक यहाँ पे अपनी जो है संघर्ष जारी रखेंगे, और आज उसी संघर्ष को देखते हुए आपको बताते चले कि युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 144 लगाने के बाद भी जिस तरीके से युवा राजपूत सभा के मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में जम्मू कश्मीर का हर एक डोगरा है, उसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि साधु समाज की बात करते हैं तो वो भी इनके साथ हैं, आखिर परेशानी कहाँ पे आ रही है। हैप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जी धारा 144 लगाई, आपको डिटेन भी किया गया लेकिन आपके हौसले कम नहीं कर पाए, आज इतनी कड़कती धूप में भी आप बैठे हुए हैं और धारा 144 लगाने के बाद कोशिश इनकी यही थी कि लगभग 4 से 5 लोग यहां बैठे, लेकिन आपकी जो आपका साहस है वो कम नहीं कर पाए, क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं 144 का पूरा पालन करें क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई वो है, महाराजा हरि सिंह छुट्टी की है, जज्बाती नहीं होंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, राजपूती पे नहीं आएंगे, डोगरे बन के बैठे हुए हैं सारे डोगरों का साथ लेने के लिए। यहाँ पे सिर्फ कई लोग हमें जात पात में बांटना चाहते हैं, जात पात से ऊपर उठ के छुट्टी मांगने बैठे हैं सारी कौमों को साथ लेके, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इस गवर्नमेंट को वो बात समझ क्यों नहीं आ रही कि अगर जम्मू का जन जन एक बच्चा बच्चा जो छुट्टी की मांग कर रहा है, आपने भी देखा होगा आज मेरे ख्याल से 10-15 जगह रोड या पुल बंद हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं, हम उनको मना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सड़कों पे मत आइए, अपनी अपनी आवाज अपने अपने चौकों से बुलंद कीजिए, लेकिन जो ये पास ही में सरकार बैठी है इसको नहीं समझ आ रही है। पूछना चाहेंगे, दविंदर राणा जी भी आपकी सपोर्ट में है, वो भी चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए, रविंदर राणा जी भी कह रहे थे कि महाराजा गुलाब सिंह की छुट्टी भी दिलवा देंगे लेकिन अपने ही राजा की छुट्टी नहीं दिलवा पा रहे, ये कैसा सपोर्ट? देखिए, बातें तो ये पूरे इंसाफ कर रहे हैं, ये करेंगे, लेकिन हम इनको बोलना चाहते हैं, बड़े भाई हैं हमारे, बड़े भाई, मैं बोलना चाहता हूँ कि आइए वहाँ पे, आप ठंडी ठंडी हवाओं में तो चादर उड़ के बैठे हैं, एक दिन यहाँ पे बैठ के देखिए कि ये लोग कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या इनकी वजह है, क्या रजा है, बैठिए ना, आइए धूप में बैठिए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन 144 लगाती है आपको पता नहीं है, हमें उठा के ले जाती है आपको पता नहीं है, कश्मीर में कुछ हो जाता तो आपको पता है, फिर जम्मू के लोग क्या करेंगे। लेकिन बड़ी दुख भरे स्वर से ये आवाज निकलती है कि काश ये महाराजा की आवाज कश्मीर से उठी होती तो अब तक छुट्टी हो चुकी होती, क्योंकि जम्मू के लोग डोगरे आखते ना मैडम जी, डोगरी हिंदी समझते हो, डोगरी खंड मिठे लोग डोगरे, तो अस खंड मिठे तरीके कने छुट्टी मंगा दे, लेकिन इन्हें जेड़ी साड़ी मिठी भाषा वो समझ नहीं आ रही है। जम्मू दे सारे लोग तुंदी सपोर्ट चाहिए ना, के सेलिब्रिटीज दी गल करो के डोगरा समाज दे लोके दी गल करो, जिन्ने भी युवा राजपूत सभा दे लोग भी तुंदी सपोर्ट च ने, साधु संत समाज भी तुंदी सपोर्ट च ने, तुहें नहीं लगा रहा कि सारे लोग तुंदे कन्ने ने इकल्ले के मुंह पट्टीए बखरे बैठे ने, ए के चांदे ने? हुण असे आखदे मन की बात सुनो, इन्हें आखना साड़ी भी मना दी गल सुनो नी, अपनी सुनांदे रहोगे लोकें दी सुनो, साड़ी नहीं सुनो है, पूरे जम्मू के अवाम के लोगों पुछो, मैं तुंदे माध्यम ने तुसें भी एक रिक्वेस्ट करूँ कि कोई रघुनाथ बाजार जां कणक मंडी बाजार कोई एक बार शहरदारें पुछो तो सही कि जिहड़ी युवा राजपूत सभा इत्थे बैठी दी है क्या वह जायज़ डिमांड करा दी है या नजायज़ डिमांड करा दी है, वो ये दे सकते नहीं दे सकते, ये सब किस करी सकते हैं,
लेकिन एक कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी नाराज नहीं करी सकते। साढ़े जम्मू वाले मेरे आखिने खप्पे खाते के बिच बही जाङन, इन्हें नहीं कड्ढना है, उन्दे उपर खड्डा भी होगा तो इन्होंने पुछन चली जाना। क्या बदकिस्मती है साड़ी, क्या इन्दे को टाइम नहीं है? आना इतने बही जान, 20-25 MLA जीते थे, 20-25 हारे थे, 80-90% इनके कारपोरेटर इतने बैठे थे, छुट्टी दी है, इतने नहीं बैठी आना, क्यों नहीं बैठा दे? क्या अस जम्मू के नहीं हाँ, अस डोगरे नहीं हाँ, इन्हें एसी दे वंश नहीं हाँ, बड़ी बड़ा तप चाहिए मैडम जी। अस भी एसी गड्डी के फिरने वाले लोग हाँ, लेकिन कुछ पाने वास्ते कुछ खोना पौंदा है। ये जेडे मेरे पिछे सारे सेलिब्रिटी बैठे थे, कोई आ रहे हैं, कोई किश, कोई माड़े आटे गरीब बंदे भी हैं बेचारे, लेकिन सारे एक टेबल के उपर धुप्पा ये छतरियां जी तो दिखा दो, ये भी तुंदा नहीं कोई इंदा नहीं भरा कोई आनी इतने देई आ, इन्हें नहीं लभदी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दो बार गए, लेकिन मैं आखना चाहना यार जम्मू की नज़र थोड़ी जी खराब हो, अगे पिछे नहीं दिखते, सीधे सीधे जाते हो, बड़े लोग ना सुनती क्या हाल, लेकिन दिखना चाहिए ना मैडम जी, जम्मू की गल भी सोचनी चाहिए। जम्मू के डोगरे आखिर जांगण के जांगण कुत्थे, मी तो सुनाओगे अस कोदे कोल जाचै, केड़ी पार्टी लीडर कोल मत्था नहीं टेकिया? बीजेपी वाले दफ्तर भी गए, कांग्रेस, NC, PDP, आम आदमी सारे को दरवाजे खड़खड़ रही है, लास्ट का सहारा कोई नहीं रहा, पुल बंद किए, इंदे दफ्तर के बिच बड़े फिर हम पोखड़ बैठे दे, इतने भी नहीं बोन दिया, जे तवी वाले पुला पर अं ठुआ लिया ना तो अं तवी वाले पुला थले बोना है, ये भी हाल सुनाइने, जगह बनाई है साफ करी है, अगर इतों अं ठुआ लिया तो अं तवी वाले पुला थले बेही जाना, लेकिन छुट्टी की मुहिम नहीं ढिली होने देनी है। तो 23 तरीक धोड़ी मैं तो इतने बैठे देंगा, लेकिन सारे जम्मू के वासी के लोगों ही आखना चाहंग कि 23 तरीक मेरे हाथ में भी कख नहीं रोना, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी सुना देन, अगर कोई लोग बाहर निकली आए जां कोई गलत हरकत करन, वो जिम्मेवार प्रशासन होगा, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं गांधीवादी तरीके अपनी सभा लेइए सिर्फ एक जम्मू के डोगरे जगा वा कि जात पात को उपर उठियो, खास करिए मैं महाजन सभा ही ब्रह्म सभा जी साड़ी ब्राह्मण सभा है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं उनके बिच, उन्हें आखा दा चैंबर वाले साड़ा साथ दिया दे, ट्रांसपोर्टर भी इतने साड़ा साथ दिता, बार एसोसिएशन साढ़े कन्नै, बाजार के तकरीबन लोग साढ़े कन्नै, साधु समाज, स्वर्ण जेडे ज्वैलर एसोसिएशन वो भी कल आई दी, लेडीज महिलाएं अज भी महिलाएं अं फोन करा दी कि अं बैठना है, लेकिन इतनी गर्मी के बिच अस उन्हें कि बैठा के चार चार बारी कपड़े गिले होवा दे, ये समझने की कोशिश करगे सारे जो जम्मू के डोगरा तुंदे कन्ने, बीजेपी के लीडर भी अपने जगह जगह जिथे गलबात करा दे, इंटरव्यू दे रहे, वो आखा रहे तुंदे कन्ने, जे सारे तुंदे कन्ने तो फिर अगे जेड़ा हाथ पिछे करा वो कौन है? मैडम जी हूँ तुम साढ़े को ज्यादा जांच रखते हो, ज्यादा लोगों ने मिलते हो, बड़े बड़े लोगों ने उठना बैठना, कम से कम मैं आखना चाह कि इंदे को इंटरव्यू लाओ, जे रे आया तुंदे कन्ने आखना उत्थे जाओ, इत्थे आई सकते ना, ये बड़ी बड़ी दूर दी नहीं है। राणा साहब जे बीजेपी का सिवर पत्नीटाप जाइए, चार चार दिन होटल बुक करिए, ठंडिया हवाए च लोगों दिन गल् सिर पत्नीटाप जाइए सुननी है ना, उसे धुप्पा बच्चा आनी, जम्मू जोड़े लोग पूरा जम्मू मांग करा था, मैं कोल साहब भी आखूँ कि इतने आनी गल् सुनो, ठंडी हवा जदू भी तुम्हारा शिवर लगता पत्नीटाप लगता, एक बार जम्मू महाराजा के स्टैचू सामने भी लाओ, लोगों पुछो भी लोग दसो कि लोग क्या चाहते हैं। एक चीज पूछ गए, 23 अगस्त भगवान नहीं करे कि ऐसा हो या है कि छुट्टी नहीं मिले बाई चांस, फिर ओदे बाद जेड़े डोगरा लोग ने वो कियां अपने राजा दी छुट्टी मनाण, के करोगे? मतलब एक साड़ी आइडेंटिटी है ना कि असें 23 अप्रैल दी छुट्टी मनानी के मनानी है, फिर के करगे? देखो पीसफुली प्रोटेस्ट करा रहे हो, पीसफुली आखी सकने हां, सारे लोकें आके एप्लीकेशन दे दो, बंद कर दो, सारे दफ्तर बंद हो जाने, ओदे बाद 23 तरीक दे बाद बिल्कुल इलाज में तुसीं सुना दे कि सवेरे तो शामी अं जबरन उठाया ज्यादा, लेकिन 23 तरीक के बाद पूरी पूरी जिनी साड़ी कोशिश हो पूरी जनता इतने भाल लगे, 23 तरीक भुख हड़ताल पर भाल के जो छुट्टी देंगे फिर 23 तरीक के वापस आते नहीं जान देंगे। मी पता है जी एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 लाई दी है, वो इसे करिए लाई दी है कि 23 सितंबर लोग कट्ठे नहीं हो, लेकिन अह करा मैं कल्ले आना, मेरे चेयरमैन साहब मेरी कोर कमेटी कल्ले आनी, अह इतने बैठी जाना, लोगों को थोड़ी रोकी सकने, जेडे लोगों के जज्बात न उन्हें अस उनकी बड़ी कदर करने कि डोगरें की जगाने का काम जरा शुरू किए, हाली 10% डोगरे नहीं जागे हैं, जिस दिन कोई गलती 20% भी जम्मू का डोगरा बहर आई आ,
सरकार ही मुश्किल हो जाना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही आखना चाहंग अगर एल जी साहब भी मेरी गल सुना देन जां रविंदर रैना और जेड़े अपने आप ही आखदे अस चला दे आ कि जम्मू दे विच कोई भी पढ़े लिखे दा जां इंटेलिजेंट छाप सुथरी छवि वाला बंदा नहीं है जेहड़ा गवर्नर दा एडवाइजर बनी सके। जेहड़े जम्मू दा खास करिए डोगरा होवे तो जम्मू दे डोगरे दी गल सुणा अस ओह भी मांग करदे आ कि जम्मू दे डोगरे की इन्ना मिट्टी मलीत क्यों कीती जा रही जम्मू दे डोगरे दी। सिर्फ मैं चिंता नहीं करनी साड़ी सुनो मैं आखना कि तुंदे मुंहां च लड्डू की छुट्टी अस करके महाराजा गुलाब सिंह दी करदे और यार पहला हरि सिंह दी दियो जेहड़े लोग पुछा दे ने जिन्हें लोगों की तिरंगा पकड़ाया था लोगों डाइवर्ट मत करो है अगर विलेज दिवस की छुट्टी की दी है वो उनकी पार्टी का मसला है उन्हें की दी है अस उसी भी आखना सुनो बंद करो लेकिन असें अपनी महाराजा के जन्म दिवस उपर छुट्टी चाहिए है अस ओदी डिमांड करा दे हां। तुम देखी सकते हो कि इतने हैप्पी सिंह और द्वारा बिल्कुल जोरदार तरीके कने जड़ी आवाज है एलजी प्रशासन तक पहुंचा रहे इतने साढ़े कने एक कंजक भी बैठी रही है आधे जम्मू कश्मीर च जिले नराते रखने हैं सारे को पहले के कंजक का पूजन करने हैं एक कंजक क्या जड़ी धूप च बैठी रही है कुछ नहीं लगा रही मैडम जी इन्हें आए हैं भेजने वाले हैं जबरदस्ती भेजना है इन्हें दो चार घंटे बोले हम दूर में ही बैठेंगे। देखो इन कुड़ियों का जज्बा देखो ना कि घर बैठो क्यों तुम आवाज हो लेकिन मैं माता पिता आखो प्लीज मैं बड़ा शुक्र गुजार रहा लेकिन बड़ी गर्मी है बीमार हो जाएंगे इन्हें बच्चे नहीं भेजो है अस हाल ही हाँ हम अभी मरे नहीं हैं जल्द खुदा ना करता कोई साढ़े चाहे कदा कुदा अगर बलि लगी छुट्टी दे बलि चाहिए है वो भी तैयार बैठे थे ना। अगर मैं आखना कि खास करिए साढ़े राजीव जम्बाल होर वो इन्ने उस जोश बच्चे अहें बड़े जबरदस्त त्रै दिन बाद उन्हें रुट्टी खिलाई है तीन दिन उन्हें रुट्टी नहीं खाधी है आखिर एडा भी कड़ा जुल्म हो गया कि अस जम्मू छुट्टी मंगा दें और ये बाद में तो सुनाओ कि किन्ना लोगों आग्रह करता किन्ना लोगों समझाता है इे आखा कि बच्चे अपने अपने घर अपने अपनी गलियों बच्चे मैं उ आखोंग एक थाली एक चिमचा प्लेट के चमचा लेकर जिंक कोरोना नठाया ना मोदी साहब ने इं छुट्टी लैनी है ना गड्डिया तोड़िए ना आगजनी करिए ना पुलिस वाले तंग करिए थालियां बजाइए कि जब छुट्टी लभदी है तो वह भी बजाई लेने थोड़े दिन थोड़ी। तो यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची इसे पूछेंगे बच्चे आप यहाँ पे बैठे हुए हो क्यों बैठे हो आपको पता है यहाँ क्यों बैठे हो। हाँ जी मेरे को पता है सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं सबको जय देव बोलूंगी सो आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी पूरे उन्होंने पूरे देश के लिए वो उन्होंने पूरे देश के लिए वो कश्मीर को खड़ा किया था। हाँ जी छुट्टी के लिए है ना। हाँ जी तो आपको यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही कब से बैठे हो। वन आर हो गया गर्मी नहीं लग रही है। नहीं आपको सारी समय सुन रहे हैं एलजी प्रशासन सुन रहे एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहे हैं जम्मू के जितने डोगरे छोटे छोटे बच्चे भी आपको सुन रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे। हाँ मैं सबको ये कहना चाहूंगी मैं कि 23 सितंबर के लिए छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहूंगी। देखिए आज ये बच्चे जहाँ पे आए हैं थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा मेरे ख्याल से आपने भी कवर किया होगा पूरे जेएनके के स्कूल के बच्चों को इन्होंने झंडे लेके रोड पे खड़ा कर दिया छोटे छोटे बच्चों को चेन बनाई बच्चों की। हम लोग बाहर आए तो गुनाह ये स्कूली बच्चों को राजनीति में इस्तेमाल करें तो अच्छा है। मैं खास करके स्कूल प्रशासन को कहूंगा कि हम लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं ये तिरंगा उठाएंगे स्कूल में घर में इनको लेके छड़कों पे मत जाया करें क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। आप इनको बड़े बड़े स्कूल हैं बड़ी बड़ी ग्राउंड हैं वहाँ पे जो झंडा पकड़ के परेड कर सकते हैं हमसे जो ज़्यादा समझदार हैं लेकिन बड़े अफसोस कहना आखे जाता है कि जेल इनकी रैली हो युवा मोर्चा के साढ़े बंदे 100-100 बंदा 50-50 मोटरसाइकिल लिए अज मेरे भरा कहली बेही दे यार तुम भी आवाज चुको क्या पार्टी तुम बाहर कड़ी दोगे तो जम्मू के डोगरे की आवाज चुके इन्ना की गल इन्नी पार्टी को क्यों डरा दे जिसी तुम्हारी कदर होगी जिन्हें तुम्हें बोल लेने तुम्हारे को घर आंगन जेडे तुम्हारे को घर आवा समर्थन मंगने उन्हें समर्थन दे दो यार इन्नी भी कड़ी नाराजगी है बीजेपी के वर्कर मैं आखो हाथ जोड़ी बेनती करा दे तुम कोई पार्टी नहीं कड़ता पार्टियां आदि रोनी जन्दे रोनी सरकार आदि रोनी अगर अस डोगरे रोगे महाराज छुट्टी होग और मी राजन सिंह हैप्पी नहीं होनी है तुसें भी लभनी है तुम सारे मान सम्मान होना वाकया भाई अस उस कुंभ बच्चे गए हे जिसलै छुट्टी मंगा दे
साड़ा भी योगदान है, भी छुट्टी ने इन्नी लड़ाई लड़ी। तो सारे एक बार दोबारा आखो कि अपनी अपनी पार्टी सर्कल उच्चर उपर उठी है, छुट्टी की मांग जी तेज करो। काश कुसा दी कुसा दी आवाज आई जी, सब भी सुनो। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। जी तो यह दिखा रहे साढ़े कने हैप्पी सिंह जिहे, जेडे लगातार इस गल की मांग अज को नहीं चुका रहे। जिस दिन का यह प्रोटेस्ट शुरू होएगा उस दिन दे उनका सिर्फ इो आखना है कि महाराजा की छुट्टी जी है वह लेइए रोग। और तुम देखी सकते हो कि इन्नी तपती दोपहर च भी अज बैठे देना है, छुट्टी की मांग करा देना है। तो और पिछले सिर्फ मकसद यह है कि ना सिर्फ छुट्टी उन्हें अपने वास्ते चाहिए है, जी छुट्टी है वह जम्मू के हर एक डोगरे की जी मांग है, और छुट्टी होनी भी चाहिए है। तो अस भी इो जी सारे जनता अगे अपील करने कि जेड़ा साथ है वो युवराज सभा का दी दो ते इत्थे जेड़े ने बड़ी चढ़िए जेड़े महाराजा हरीश सिंह की छुट्टी है अपने घर आगे आवाज चुको, इत्थे आने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आखर धारा 144 लाई दी है। तो छुट्टी की मांग जेड़ी अपने घर चुको। तो इसे कन्ने सारे तुंदे कोला इजाजत लैने, नमस्कार।